हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में क्लास 10th एक्सरसाइज 3E से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26 देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है, देयर आर टू क्लासरूम ए एंड बी। इफ 10 स्टूडेंट आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रूम बिकम द सेम। तो जो मैं पहला स्टेटमेंट रीड किया हूं, उसके हेल्प से पहला इक्वेशन रेडी करने का प्रयास करता हूं। देखिए, हमारे पास दो क्लासरूम है। मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास ए इज इक्वल टू एक्स। पहला क्लासरूम ए था, इन क्लासरूम ए, ठीक है, क्लासरूम, ठीक है, इन क्लासरूम ए इज इक्वल टू एक्स। और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लासरूम बी मैं क्या मान लेता हूँ, वाई। अब देखिए, तो पहला इक्वेशन है, एक्स और वाई को हमें इक्वल करना है, क्योंकि इक्वेशन का मतलब क्या, इक्वल। कहा यह जा रहा है कि इसमें से 10 स्टूडेंट अगर इसमें चला गया तो ये दोनों इक्वल हो गया। अच्छा, अगर 10 लोग यहां से यहां चले गए तो इसमें 10 लोग बढ़ गए ना, और अगर इसमें से 10 लोग गए तो इसमें घट गए ना। अगर मैं ये बोलूं कि मैं आपको 10 रुपए दिया, मतलब कि जो मेरे पास पहले से था उसमें मेरे क्या हुआ, माइनस हुआ 10 रुपया। लेकिन अगर मैं आपको 10 रुपया दिया तो आपके पास जो पैसा था वो इंक्रीज कर गया 10 रुपीज। बात समझ आ रहा है? अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 होगा। चलिए सेकेंड स्टेटमेंट को रीड करते हैं। दिया गया, इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए बिकम डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी। अच्छा, अब की बार किससे जा रहा है, बी क्लासरूम से ए में जा रहा है। फिर से मैं सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ, एक्स और वाई को इक्वल करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो इसमें से 20 स्टूडेंट इसमें गया तो 20 माइनस हो जाएगा, और इसमें गया तो ये 20 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको 20 रुपीज दिया तो 20 रुपीज मेरे पास से माइनस होगा और आपके पास क्या होगा, प्लस होगा। तो बी से 20 माइनस हुआ था और तो ए में क्या हो जाएगा, 20 प्लस हो जाएगा। लेकिन अभी भी ये इक्वल नहीं है, कंडीशन क्या है, इस चीज को समझते हैं। दिया गया द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए बिकम डबल। अब इसके पास क्या हुआ, डबल हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, डबल हो गया। तो जाहिर सी बात है, अगर ये डबल हुआ है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना इक्वल होगा। अगर मैं बोलूं कि आपके पास 5 रुपए और मेरे पास 10 रुपए है, तो जाहिर सी बात है मैं आपसे डबल हूं, तो क्या करना पड़ेगा, या तो मैं अपना हाफ कर दूं तब आपके बराबर होऊंगा, या फिर अगर आपके पास जो पैसा है मतलब कि 5 रुपए उसको मैं डबल कर दूं तो आप 10 हो जाओगे और 10-10 फिर बराबर हो जाएंगे। तो ये डबल था तो इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं डबल था तो आप में मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, या फिर दूसरा कंडीशन कि मैं डबल था तो मैं खुद को हाफ कर लूंगा तब आपके इक्वल आ जाऊंगा। बात समझ आ रहा होगा आई थिंक, ठीक है। तो ये हमारे पास आया इक्वेशन, तो x प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 2y माइनस 40, ठीक है। तो हम लिखेंगे x माइनस 2y दैट इज इक्वल टू माइनस 60, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए, तो हमारे पास पहला इक्वेशन था एक्स माइनस, अच्छा अगर मैं क्या कर दूं, चलिए इसी को मैं सॉल्व कर देता हूं, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 20 है, ये हमारा क्या था, इक्वेशन नंबर 1 था। आई थिंक मैं देख लेता हूं आपको दिख रहा है क्लियरली या नहीं, ठीक है, हाँ क्लियर है एकदम से। अब देखिए, तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन था, ये फर्स्ट इक्वेशन था। अगर मैं ये दोनों को माइनस कर दूं तो ये माइनस, ये प्लस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये दोनों कैंसिल, और ये दोनों को सॉल्व करूं तो माइनस वाई दैट इज इक्वल टू माइनस 80, तो ये कैंसिल, वाई इज इक्वल टू 80, मींस नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लासरूम बी इज इक्वल टू 80। अब 80 अगर आ गया है तो मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर देता हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन, किस में मैं पुट कर दूं, तो 1 में पुट कर देता हूं, x माइनस 80 इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100। अब देखिए, a में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 और b में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना, 80। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस को बनाया जाएगा, या फिर इस टाइप के क्वेश्चंस हो तो आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।
अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम है तो एक बार बैक जा करके आप देखने का प्रयास कीजिए, अगर फिर भी नहीं समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे टेक्स्ट करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, आपको जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। 26 की अगर बात करूं तो 26 नंबर में दिया गया है कि टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज एंड द रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रैवल इन किलोमीटर। पहले तो इसका मतलब समझते हैं। देखिए नॉर्मली क्या देखा गया है, जहां पर जैसे होता है ना वो मीटर रीडिंग करके बहुत जगहों पे, जैसे आप कोलकाता साइड वगैरह अगर जाते हैं तो वहां पर मीटर रीडिंग के माध्यम से आपको पे करना होता है। जैसे ओला उबर वगैरह की बात करें तो वहां पर ये चीज नहीं देखना होता, वहां पर एक फिक्स चार्ज शो कर देता है कि यहाँ से यहाँ जाने में आपको फिक्स चार्ज पे करना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत वैरी करता है अगर ट्रैफिक है तो। लेकिन बहुत जगहों पे क्या होता है कि किलोमीटर पर रहता है, उसमें क्या रहता है कि पहले किलोमीटर का एक चार्ज फिक्स रहेगा, ठीक है, पहले किलोमीटर का चार्ज एक फिक्स रहेगा, या फिर आप कहीं ट्रैवल करो या ना करो एक चार्ज फिक्स 10 रुपये आपको पे करना पड़ा। और उसके बाद क्या होगा कि जितना किलोमीटर आप चलेंगे उसको मतलब कुछ कम रेट के साथ मल्टीप्लाई करके आपको पे करना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, मान लेते हैं कि हमें 20 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो किसी टैक्सी पर आप बैठ गए, मतलब कि उसका चार्ज आपका बन गया, मान लेते हैं कि उसका 20 रुपीज ले लिया आपसे, और जो ये 20 किलोमीटर आप चल रहे हैं उसका मान लेते हैं 1 किलोमीटर का 10 या 12 रुपए है, तो ये 20 रुपीज तो आपको पे करना ही है, प्लस ये 20 किलोमीटर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो 12 × 20 आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब ₹20+ ₹240, मतलब आपको टोटल कितना पे करना पड़ेगा 260 रुपीज, मतलब एक फिक्स चार्ज आपको पे करना पड़ेगा और रेस्ट चार्ज वो डिपेंड करता है कि कितना किलोमीटर आप ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैं मान लेता हूं कि लेट फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी इज इक्वल टू ₹X, ठीक है, और वेरिएबल चार्ज आप मेंशन कर दो, ठीक है, या फिर वेरिएबल चार्ज मेंशन कर दो, या फिर दिया गया है द रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रैवल इन किलोमीटर। एंड यहां पर एक स्टेटमेंट आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि लेट वेरिएबल चार्ज ऑफ 1 किलोमीटर, ठीक है, या फिर आप ये लिख सकते हैं कि टैक्सी चार्ज ऑफ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू ₹Y। 1 किलोमीटर का चार्ज Y है और एक फिक्स जो चार्ज है वो हमारे पास X है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है दिया गया, इस चीज को समझते हैं। जो पहला इक्वेशन है उसके लिए इफ अ मैन ट्रैवल, एक आदमी है जो ट्रैवल करता है 80 किलोमीटर, ही पे 1330, ठीक है, अगर 80 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो ये चार्ज तो उसको पे करना ही पड़ेगा, प्लस इसको कितना पे करना पड़ेगा, इतना और पे करना पड़ेगा 80 × Y, और ये टोटल मिलाकर के 1330 हो जा रहा है। इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, X+80Y दैट इज इक्वल टू 1330। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 होगा। अब इसके आगे अगर देखा जाए तो सेकेंड जो है कि आई एम ट्रैवलिंग 90 किलोमीटर, अगर वो 90 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा तो कितना पे करना पड़ेगा, 1490। तो 90 किलोमीटर ये हो गया, मतलब ये तो हमारा क्या हो गया, ये फिक्स चार्ज हो गया और ये वेरिएबल चार्ज हो गया, और दोनों मिलाकर के हमारे पास कितना हो गया, 1490 ही है ना, हाँ। अब देखिए इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, X+90 = 1490, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ या फिर मैं यहाँ पर ये दोनों को सॉल्व करता हूँ, X+80Y = 1330 और X+90Y = 1490। देखिए तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस, ये दोनों कैंसिल, अगर ये दोनों को मैं माइनस करूँ तो -10Y और ये दोनों को माइनस करूँ तो 17 और 19 60, ठीक है, तो यहां से माइनस में तो वाई का वैल्यू कितना, 16 आ गया, वाई का कितना वैल्यू आ गया, 16 आ गया, ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा, ओके। अब अगर मतलब ये 1 किलोमीटर का हमारे पास चार्ज आ गया 16 रुपए, ओके,
अब इसको मैं पुट करूं किसी भी इक्वेशन में, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन, मैं वन में ही पुट कर दे रहा हूं वन। अगर वन में मैं पुट करूं तो एक्स का कितना फिक्स चार्ज कितना होगा वो हमें देखना है, 80 × 60 दैट इज इक्वल टू 1330। अब अगर आगे की ओर बढ़े तो ये हो गया 0, 8 और कितना आ जाएगा 1, 2, ठीक है 1330। तो x का वैल्यू कितना आ रहा 1330 माइनस 1280, ये कितना आ गया 50 आ जाएगा ना। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो आई थिंक आपको यहाँ पर समझ आया होगा और आपको अब इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।